पंज तरह के लोग ने गुरमुखो, पंज तरह के केड़े केड़े भै विच रहिंदे ने, पंजे भै विच डरदे रहिंदे ने, सारी सारी जिंदगी डर विच ही इन्हां दी निकल जांदी है। सब तो पहले लालची, लालची बंदा डरदा रहिंदा, लालची बंदा की करदा, मंगण लगे कुछ नहीं देखदा, ढीठ हो जाता मंगण लगे लालची बंदा। फिर की करदा लालची बंदा, स्वार्थी भी हुंदा। दूसरा है नंबर स्वार्थी दा, ये की करदा स्वार्थी बंदा, भावें सारा पिंड डुब जाए, भावें सारा पिंड बर्बाद हो जाए, ये कहिंदा मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हुंदा रहे। तीसरा है ज्ञानहीन, ज्ञानहीन बंदे नूं मूर्ख भी असी कहिंदे हां। इहदी मूर्खता इक्को गल ते है, बगैर किसी गल तों ओह गल कह देनी, दूसरे का सीना पड़ सटना, आखो सतना। वाहिगुरू। ज्ञानहीन बंदा उसनूं इह ही नहीं पता कदों की बोलना ते किवें बोलना। एक चौथा है आह गुलाम, गुलाम की करता, उन्हें मुल ले लिया, वो तो खरीदया गया, उस तो जो मर्जी करा लो। ये पांच तरह के लोग जिहड़े ने, इस सरकार का हाथ ठोका होंदे ने, सरकारां इन्हां दे चलदियां ने, लोभियां ते ओहो लालचियां ते। पंजवां है कामी, कामी पुरश का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं उन्हें कित्थे बर्बादी कर देनी है, किसनों बर्बाद कर देना, किसका जीवन बर्बाद कर देना, कोई पता नहीं। इन्हां चों देख लेना भी मन किहो जाया, ज्ञानहीन लोभी है, कामी है, गुलामी करना चाहता, गुलामी इस करके करता कि इहदे अंदर भुख नहीं मुकदी, भुख नहीं मुकदी। पर जे भुख किसी ने मुकानी होवे ते पातशाह कहिंदे गुरु की शरण विच आउणा पैंदा। सारी जिंदगी कदे काम की शरण च रहिंदा, कदे क्रोध की शरण च रहिंदा, कदे लोभ की शरण विच रहिंदा, कदे मोह की शरण विच रहिंदा, कदे हंकार की शरण विच रहिंदा। ते पातशाह कहिंदे मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, इत्थे इक फस गया है, ये मेरे की गल करता, तेरे की गल नहीं करता। इसनों दो गल्लां दा पता, मेरा कुछ बन जाए ते मेरियां दा कुछ बन जाए। फिर सुनना जरा, इनू पुछना मन नूं इत्थे हाजर करके भी सारी जिंदगी इस गल ही रोंदा रहा भी मेरा कुछ बन जाए ते मेरियां दा कुछ बन जाए। तू ते तेरे दी ते गल करदा ही नहीं ना। इनू पुछे भी मैं ते मेरे दीयां गल्लां जो करदा, कदे तू ते तेरे दी गल भी करके देख ला, करके देखी जरा, एक महीना करके देख लो, उस मालक दियां गल्लां करके देख लो, फिर पता लग जो। मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुरग अवतार माया तंदिया। कल ही असीं बैठे सी, कोई सज्जन सी मेरे, वह मैं पुछण लगे भी मैं संतां दा कीर्तन सुनिया ते उन्होंने दो घंटे माया ते किया भी माया नागनी आ, माया नूं हाथ नहीं लाउणा चाहीदा, माया नरकां नूं लै जांदी आ। कहिंदे मैं डेढ़ घंटे बाद उन्हां नूं हाथ जोड़ दिते भी चक्के तां तुसीं वी लै जाणी आ, ते आग दीआं गल्लां करके इकट्ठी करके तुसीं वी लै जाणी आ, ते फर्क की होया फिर, की ये चाहीदी नहीं। कौन कहिंदा, जिन्नी मर्जी माया होवे। मेरे एक मित्र ने सरदार नरेंद्र सिंह अमृतसर तो, उन्हां दीयां चार फैक्ट्रियां ने बहुत वड्डियां अमृतसर च कपड़े दी, इहो जिहा जीवन मैं गुरसिख दा किसे दा नहीं देखिया। जे टैलीफोन आ जांदा ना कार सेवा वाले महापुरशां दा, जी चार ट्रक सीमेंट दे चाहीदे आ, मिल आ गया जी, समझ लो पहुँच गया।
सरिया चाहिदा जी, पहुंच गया जी। की कहिंदी है माया जी, की कहिंदी है माया जी? कुछ नहीं कहिंदी। माल कहिंदे तन मन धन सब सौंप गुर को। फिर सुनना जरा, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्या पाईऐ। क्यों जी? कुछ कीता इहदे चों, तन दे दित्ता। तन संसार ने खा लिया, परिवार ने खा लिया। अब सुन लेना हुण खरियां खरियां, तन संसार लई इसने वरत्या। सारी जिंदगी मजदूरी करदा करदा इन्हां दा पेट भरदे भरदे इसका जीवन च बुढ़ापा आ गया। आ गया कि नहीं? धन इसने खुश करन लई दिता अपने परिवार नूं। मन इस दे वस नहीं। तुसीं दसो सौदा तां करना तुसीं चाहुंदे हो गुरु नाल, फीस तुसीं देना नहीं चाहुंदे, लैणा सब कुछ चाहुंदे हो, सौदा किवें मिल जाएगा? ओहो दसोगे, दसोगे किवें सौदा करोगे? सतगुर कहिंदे ने तकड़ी विच जद इक पासे भार पैंदा दूजे पासे सौदा पैंदा। तू तकड़ी जे एक पासे कुछ नहीं पाउणा चाहुंदा ते सौदा सारा लैणा चाहुंदा, इह किवें हो सकदा? गल्लां नाल नहीं, गालड़ी आ। शायद सौखी गल इक शुगल दी समझ आ जाणी आ। कोई माई किसे मीट दी दुकान ते चल गई, सुन लेना जरा, किसे मीट दी दुकान ते चल गई। कहन लगी बाई, उस पासे दी बोली मालवे दी बाई कहिंदे ने, वे बाई फरीदकोटी आ मुर्गा चाहीदा। उन्हें दिमाग च आया भी मुर्गा तो मुर्गा ही होंदा, फरीदकोटिया कहदा हुशियारपुरिया कहदा, मुर्गे तो मुर्गे ही होंदे आ। उसने अपने नौकर नूं कहा, समझ गया उन्हें कि हुण गाहक जाना नहीं चाहीदा। एक मुर्गा उन्हें लैंदा, माई कहिंदी सुंघ के कहिंदी ये को फरीदकोटिया मुर्गा थोड़ा, तू एवं चक लिआंदा। उन्हें कहा हो माई गलती हो गई, वापस देता। कहिंदा दूजा लाया, वो दूजा भी सुंघ के कहता भी ये को फरीदकोटिया मुर्गा। या उन्हें कहा वो कसमैला है जिहड़ा कुकड़ा ना, वो लिया। कहिंदी हाँ आया ना सुंघ के, कहिंदी आया फरीदकोटिया मुर्गा। तो उन्हें पुछदी बाई तुहाडा इलाका किहड़ा? कहिंदा माई हुण ये भी सुंघ के ही दस दे मैं किहड़े इलाके का। आखो सतनाम, तुहानू पै गई सुंघण की आदत। तुसी सुंघ सुंघ के जिहड़ियां गल्लां करदे हो ना, तुसी निंदिया तो बाज नहीं आउंदे, चुगलियां तो बाज नहीं आउंदे। सुभा बदलना हुंदा भगत ने, भगत की आ सुभा बदल जांदा। सुभा किवें बदलदा? सतगुर कहिंदे ने, मैं उदाहरण देण लगा आप जी नूं। इह कहिंदा उह बड़ा वड्डा आदमी आ, उह कुछ भी नहीं, उह नी छोटी जात दा आ, इदां दीआं गल्लां करदा। जिहड़ी इट गुंबद नूं लगी आ, जे उह इह कहे कि जिहड़ी नीच इट आ उह की हुंदी आ, कुछ भी नहीं मेरे मुकाबले ते, ते उह मूर्खता है उस दी कहिण दी। क्योंकि वह गुंबद ते लगी तां आ, क्योंकि वह जिहड़ी थले दी इट लगी आ उहदे ते सिर ते उपर गई आ। आखो सतनाम वाहिगुरु। ब्रह्म ज्ञानी का जीवन इको जिहा हुंदा, ब्रह्म ज्ञानी को सत्र मित्र समान। क्यों जी? ब्रह्म ज्ञानी को सत्र मित्र समान, शत्रु ते मित्र एक ने। उस ही औरंगजेब नूं धन गुरु कलगीधर पातशाह कहिंदे ने। ओहो हो, सागर वर्गी विशालता कलगियां वाले दी। मैं इस करके नहीं आ गाउण वाले पासे जांदा, क्योंकि मेरे तो पहला बथेरा गा गया तो यह सुन ही लिया, गाना माड़ा नहीं। गुरबाणी गावो भाई, जो सफल सदा सुखदाई। इस करके ताकि होर पांच सत्त मिनट लावां, ताकि पता लगे भी सच है कि आ मेरे कलगियां वाले पातशाह जी की सागर वर्गी विशालता है। जदों जफरनामा लिखिया
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਸੰਕੋਚਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਾਂਗੜ ਆ ਜਾਏ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਹੈ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ, ਦੋ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼,